नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कई जिलों में बारिश के बन रहे हैं आसार। भगवान का नाम लेकर फिल्मों में काम मांगने वाले पंकज त्रिपाठी का आज है जन्मदिन। तीसरे दिन 5017 उम्मीदवारों ने पंचायत चुनाव को लेकर किया नामांकन। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन की मेरिट लिस्ट हुई जारी। आज शिक्षक दिवस पर आइए जानते हैं क्या है इस दिन का महत्व। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज शिक्षक दिवस पर आइए जानते हैं क्या है इस दिन का महत्व। हर साल शिक्षक दिवस आज ही के दिन यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठना होगा कि आखिर आज ऐसा क्या है जिसके कारण आज ही के दिन हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति रह चुके और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन होता है। सबसे पहले शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। इसी साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वो देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। छात्रों ने सुझाव दिया था कि उनके सम्मान में उनके जन्मदिन को राधाकृष्णन दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन राधाकृष्णन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाए। यही कारण है कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, राधाकृष्णन ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन की मेरिट लिस्ट हुई जारी। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए जारी कट ऑफ में सीबीएसई ने छात्रों का दबदबा देखने को मिला है। दूसरी नंबर पर बिहार बोर्ड के विद्यार्थी पटना विश्वविद्यालय में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हाल में कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी और प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने ओवरऑल मेरिट लिस्ट जारी की है, जिसमें सीबीएसई के कुल मिलाकर 9304 बच्चे शामिल हुए हैं। वहीं बिहार बोर्ड के 9086, आईसीएसई के 271 और अन्य बोर्ड के बात करें तो 16 मेरिट लिस्ट में यहां पर शामिल हुए हैं। छात्र कल्याण संकाय डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि कट ऑफ नंबर 7 CG रखा गया है, जिसके बाद 19377 अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, जिन्हें अब नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। बिहार के कई जिलों में बारिश के बन रहे हैं आसार। इन दिनों बिहार में मानसून की सक्रियता थोड़ी कम देखी जा रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के आसार अभी भी बनते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र में जारी किए गए पूर्वानुमान के बिहार, झारखंड और बंगाल के गंगा से सटे इलाके में तेज बारिश की संभावना बनती देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे के अंदर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के आसार है। इसका असर आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव के तौर पर देखने को मिल सकता है, जिसके तहत बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, अरवल, जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा जिले के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। कोरोना काल में बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में पढ़ाई का बदला तरीका। कोरोना के कारण हर एक आम नागरिक की जिंदगी में बदलाव आया है, ऐसा ही कुछ हाल विद्यार्थियों का भी है। हाल ही में जारी किए गए जानकारी के अनुसार कोविड 19 के माहौल में बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में भी पढ़ाई का तरीका काफी बदल गया है, जिसके तहत पटना विश्वविद्यालय में ई कॉन्टेंट अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिससे छात्र ई कॉन्टेंट छात्रों के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल पर कुछ शिक्षकों की पूरी लेक्चर सीरीज डाली गई है, जिसने छात्रों को ऑनलाइन के अलावा उनकी पढ़ाई में काफी मदद की है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक ने 30 से अधिक लेक्चर का एक वीडियो सीरीज तैयार किया है, उसे YouTube पर अपलोड किया है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय और कॉलेज में क्यान स्मार्ट बोर्ड भी लगाए गए हैं। तीसरे दिन तक 5017 उम्मीदवारों ने पंचायत चुनाव को लेकर किया नामांकन। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में तीसरे दिन तक 10 जिलों के 12 प्रखंड के विभिन्न पदों के लिए कुल मिलाकर 5017 नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 3093 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें 2557 महिलाओं के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। वहीं 2460 पुरुषों ने नामांकन दाखिल किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के माध्यम से 6 पदों के लिए चुनाव का आयोजन होने वाला है। इन पदों में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सरपंच के पद शामिल है। इन सभी पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 8 सितंबर तक जारी रहेगी। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने बिहार विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर फ्री हेल्थ कैंप का किया आयोजन। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी बिहार विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पखवाड़ा के अंतर्गत ग्रीन पार्क
कांति फैक्ट्री रोड कंकड़बाग पटना में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का उद्घाटन किया गया, जिसमें दिल्ली एम्स के डॉक्टर प्रभात रंजन एवं पटना के वरीय भौतिक चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार तथा डॉक्टर देवव्रत ने अपना योगदान दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट भी भाग लेने पहुंचे थे। इसमें लगभग 70 पेशेंट का जांच और उपचार किया गया। सेवा लेकर लोग बहुत ही खुश दिखे। डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम में समाज के लोगों को बहुत फायदा होता है, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अंतर्गत ही 8 सितंबर को वॉकथॉन जो कि गांधी मैदान रेडक्रॉस से कंकड़बाग पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूट पर आयोजन भी किया जाएगा। भगवान का नाम लेकर फिल्मों में काम मांगने वाले पंकज त्रिपाठी का आज है जन्मदिन। बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी की आज चर्चा हर ओर होती है, क्योंकि उनके काम में इतनी बारीकी है कि कोई भी उनके काम को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अपने अभिनय के कारण बिहार के साथ साथ अपना नाम बढ़ाने वाले पंकज त्रिपाठी का आज जन्मदिन है। लेकिन आपको आज उनके जन्मदिन के खास अवसर पर हम एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि शायद आपको भी ना पता हो। आज फिल्मों में अपनी शोहरत कमाने वाले पंकज त्रिपाठी एक वक्त पर भगवान के नाम पर फिल्मों में काम मांगा करते थे, जिसके तहत वो हर प्रोडक्शन हाउस में जाकर वहां कहते थे कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। इसे उनके अंदर एंट्री हो तो जाती थी, लेकिन अंदर जब वो जाते थे तो कुछ लोग इस बात पर भड़क जाते थे और कुछ लोग उनके सेंस ऑफ ह्यूमर पर हंस देते थे। पैरालंपिक में प्रमोद को मिली जीत पर भावुक है परिवार। हाजीपुर के सदर अनुमंडल के रहने वाले प्रमोद भगत ने पैरालंपिक खेलों में बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। टोक्यो में पैरालंपिक प्रतियोगिता में बैडमिंटन सिंगल में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर देश और दुनिया में परचम लहराकर प्रमोद भगत ने अपने छोटे से गांव का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्रमोद भगत की इस जीत से परिवार वालों के साथ साथ पूरे गांव में खुशी की लहरें। हालांकि प्रमोद भगत की इस जीत से उनकी भावनाओं के बारे में पूछा गया तो परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि शरीर से पूरी तरीके से फिट नहीं होने के बावजूद प्रमोद भगत ने जो किया है उसकी सराहना बिहार के साथ साथ पूरे देश में हो रही है। हालांकि पूरे देश में तो चर्चा हो रही है, लेकिन इन सबके बीच परिवार वालों ने बिहार सरकार से मांग की है कि प्रमोद भगत की इस जीत पर इनाम की घोषणा जरूर की जाए। बिहार में सरकार को मिले मोबाइल टावर के 3900 आवेदन। बिहार में लगने वाले हर एक मोबाइल टावर का हिसाब सरकार के पास अब आने लगा है। इस अवैध मोबाइल टावर पर लगाम तो लग ही रहा है, इससे शहरी निकाय को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में मोबाइल टावर ऑप्टिकल फाइबर के लिए 3914 आवेदन मिले हैं, जिसमें 25 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा 88 एनओसी पटना और पश्चिम चंपारण जिले में दिए गए हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 3, पूर्वी चंपारण में 2 और कटिहार में 1 को अनापत्ति पत्र मिला है। लगभग 3745 आवेदन अभी लंबित है, जिसमें 90 आवेदन प्रक्रियारत है। अधिकारियों के अनुसार कोविड-19 के माहौल के कारण आवेदन बड़ी संख्या में लंबित रह रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता के हिसाब से निपटाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के जदयू विधायक गोपाल मंडल समेत उनके 4 सहयोगियों पर मामला दर्ज। बिहार के भोजपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर पहनकर अनुसूचित जाति के यात्री से बदसलूकी करने के मामले में गोपाल मंडल समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जो कि आरा जीआरपी थाने में दर्ज करवाया गया है। इस मामले में FIR नई दिल्ली से पुलिस अधीक्षक रेल विकास बर्मन को ईमेल के जरिए आवेदन आया था, जिसके बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। ज्ञात हो नई दिल्ली स्टेशन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मारपीट की, सोने के गहने लूटने और गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया था, जिसके बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। तेज प्रताप यादव ने अर्जुन को दी सलाह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव क्रोध के रास्ते को छोड़कर आध्यात्म पर पहुंच गए हैं। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों से लगातार तेज प्रताप यादव अपने ट्विटर हैंडल से आध्यात्मिक बातें कर अनुज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने बातों ही बातों में आध्यात्मिक रूप से तेजस्वी यादव को समझाने की कोशिश। दरअसल खबर यह है कि शनिवार को तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां 10 मिनट तक उन्होंने इंतजार भी किया, लेकिन उन्हें बिना मिले ही खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बन जा है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार में बाढ़ के लिए नेपाल को ठहराया जिम्मेदार। वर्तमान समय में बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। इसको लेकर बिहार की दूसरी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर कहा कि हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल बाढ़ आती है, सबसे अधिक नेपाल से दिक्कत होती है। इसको लेकर सरकार की तरफ से नेपाल सरकार से बातचीत हो रही है और वो भी जल्द ही आने वाले दिनों में इसका निदान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है। बाढ़ से निपटने को लेकर हमारे अधिकारी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि जो भी लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं उनकी मदद की जाए। उनको लेकर हालांकि काम भी हो रहा है। बाढ़ ग्रस्त इलाके में बचाव कार्य तेजी कर दिया गया है। आपदा के समय बाढ़ राहत कार्य और आपदा के समय में जो मुश्किल उत्पन्न हुई है, जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ भी उन्होंने साथ ही में की है।
रेल मंत्री से मिले भाजपा सांसद विवेक ठाकुर। बीते दिन दिल्ली में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बिहार में रेलवे सुविधाएं बढ़ाने और रेलवे से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात के दौरान विवेक ठाकुर ने रेल मंत्री से बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना, राजगीर स्टेशन से चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस का नवादा के तिलैया जंक्शन तक विस्तार, जहानाबाद में एनएच 110 पर गुजरने वाली रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर का निर्माण, रघुनाथपुर स्टेशन पर श्रमजीवी और मगध एक्सप्रेस का ठहराव, राजगीर धनियावा फतवा ट्रेन का पटना जंक्शन तक विस्तार, मिर्जापुर के कटका स्टेशन और कछुआ स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर समय पर भूमिगत मार्ग का निर्माण और इसके साथ ही रेलवे से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बिहार की राजनीति में जल्द दिख सकती है नई पार्टी। बिहार की राजनीति में जल्द ही एक और नई राजनीतिक पार्टी का आगमन हो सकता है, जिसका असर जानकारों की माने तो कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर देखने को मिल सकता है, जिसकी घोषणा पूर्व केंद्रीय मंत्री और शहीद जगदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने कही है। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी को 30 सितंबर को राजधानी पटना में राष्ट्रीय कुशवाहा सम्मेलन में घोषणा करने की बात कही है। इसकी जानकारी नागमणि ने बीते दिन अपने जारी इंटरव्यू में दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज दल होगा। वहीं आज बिहार और झारखंड के सभी जिलों और प्रखंड मुख्यालयों में जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो राज्य के तकरीबन हर दल के साथ काम कर चुके हैं। हालांकि इस पार्टी का क्या प्रभाव होगा, ये तो आने वाले समय में ही जानकारों का मानना है कि पता चलेगा। रोहित शर्मा के शतक पर ऋतिका सचदेह ने दिया फ्लाइंग किस। इसी दिन भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा का बल्ला खूब बोला, जिसके तहत रोहित शर्मा ने अपना 8वां टेस्ट शतक पूरा किया। साथ ही उन्होंने 127 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी पत्नी ने भी खास अंदाज में उनका हौसला बढ़ाया, जिसके तहत दर्शक दीर्घा में मौजूद उनकी पत्नी ऋतिका सचदेह ने फ्लाइंग किस भेजा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोहित ने जैसे ही शतक जमाया और बल्ले को स्टेडियम की तरफ दिखाया, वैसे ही ऋतिका अपनी सीट से उठ करके रोहित का अभिनंदन करते देखी गई। इसके साथ ही उन्होंने खुशी से नाचते हुए उनकी खुशी जाहिर की। उसके बाद उन्होंने रोहित को फ्लाइंग किस भी दिया। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वर्तमान चौथे टेस्ट मैच में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारतीय टीम के जीतने के आसार है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।